इन दिनों गन्ने की फसल की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। ऐसे में गन्ने की बची हुई पत्तियों को अगर खेत में ही निस्तारित किया जाए तो मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा। पताई का खेत में निस्तारण होने से ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है, लेकिन अगर पत्तियों को खेत में जलाया जाए तो मित्र कीट मर जाते हैं, जिसका सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के डॉक्टर श्री प्रकाश यादव ने बताया कि गन्ने की पत्तियों को लाइन में सेट करने के बाद पानी चला दें। पानी इतना चलाएं कि पत्तियां डूब जाएं। उसके बाद 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आर्गेनो डीकम्पोजर 2 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर गन्ने की पत्तियों के ऊपर डाल दें। 30 से 35 दिनों के बाद गन्ने की पत्तियां सड़कर खाद में तब्दील हो जाएंगी। ऐसा करने से गन्ने में फुटाव अच्छा होगा, निकलने वाले कल्ले मजबूत होंगे, जिससे अगली फसल में किसानों को बंपर उत्पादन मिलेगा। शाहजहांपुर से लोकल 18 के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। गन्ने की छिलाई की होगी, पताई पड़ी होगी, उनको उन लाइनों में सेट करके जब पानी लगाएं तो थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ा दें, जिससे कि पूरी तरह पत्ती उसमें भीग जाए, डूब जाए, और हो सके तो जो हमारे उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद से आर्गेनो डिकम्पोजर सड़ाने वाला जो प्रोडक्ट है वो लेकर के 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 1 या 2 कुंटल गोबर की सड़ी खाद मिल जाए, उसमें मिला करके पत्तियों पे बिखेर दें। इससे क्या होगा कि जो 2 महीने 2.5 महीने पत्ती सड़ेगी, अधिक से अधिक 30 दिन 35 दिन में वो डिकम्पोज हो जाएगी, और जितना जल्दी डिकम्पोज होगी वो तुरंत हमारी पेड़ी की फसल के लिए, चूँकि फुटाव शुरू होगा और शुरू हो गया है तो उसमें काम आएगा, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, साथ ही जो खरपतवार शुरू में पेड़ी के खेत में होंगे पत्ती बिछाने से वो सप्रेस हो जाएंगे, उनकी मात्रा कम हो जाएगी। और किसान भाई उसमें ये भी कर सकते हैं कि सभी लाइनों में न बिछा के एकांतर लाइनों में एक लाइन छोड़ दें, दूसरी लाइन में बिछाएं, फिर एक लाइन छोड़ दें। इससे क्या उनको फ़ायदा होगा कि जो लाइन खाली होगी उसमें वो गुड़ाई कर लें, कोई फसल पेड़ी में भी ले सकते हैं वो ले लें, जैसे अदरक है, हल्दी है, इस समय ले लेंगे, और जिसमें पत्ती बिछी है उसमें उनको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ तक कि एक पानी तो सड़ने के लिए लगा दें, लेकिन दूसरा तीसरा फिर सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो सड़ता रहेगा, खरपतवार दबते रहेंगे, उनमें गुड़ाई भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो पानी की बचत है 50% बचत हो जाएगी, खरपतवार नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं होगी, और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा जो हमारे मृदा स्वास्थ्य के लिए आर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है। प्रायः हमारे पूरे उत्तर प्रदेश या ज़्यादातर मिट्टी में पाया जा रहा है कि आर्गेनिक कार्बन का जो स्टेटस है बहुत ही लो हो गया है। यहाँ तक कि पेड़ी फसल, बावक फसल, जो गन्ने की फसल होती है उसमें 6 ग्राम प्रति किलोग्राम मिट्टी कार्बन होना चाहिए, लेकिन जो आज स्तर है ध्यान न देने से 3 या 4 ग्राम प्रति किलोग्राम मिट्टी में ये पाया जा रहा है, जबकि कार्बन ही मिट्टी का एक तरह से पूरा ही रीढ़ कह लीजिए, जैसे कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, जितना कार्बन का स्तर ठीक रहेगा मिट्टी में उतना ही CN रेशियो मेंटेन रहेगी, और उतना ही जो मिट्टी की फिजिकल रासायनिक और जैविक गुण हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी मात्रा बढ़ेगी।